मकर संक्रांति में सभी लोग एक जगह पे भूमि पे जमीन पर बैठ करके खिचड़ी का स्वाद चख रहे हैं। और हम अभी बात करेंगे यहाँ के लोगों की, सामाजिक दूरी को मिटाने वाला ये मकर संक्रांति रहा इस बार का दरभंगा जिले में। तो यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं एक साथ, हम उन लोगों से बात भी करेंगे कि क्या कार्यक्रम है इस बार मकर संक्रांति में यहाँ पे। संक्रांति उत्सव समरसता का संदेश देता है और इसी संदेश को लेकर के संघ समाज के बीच में आज का ये कार्यक्रम समरसता के लिए कर रहा है। और ये प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक समाज के बीच में जाके इस कार्यक्रम को करते हैं। क्या नाम है? अविनाश कुमार, विभाग कार्यवाह दरभंगा। ये RSS के द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है जहाँ पे खिचड़ी बन रही है, आप कह सकते हैं कि सामाजिक दूरी को मिटाने के उद्देश्य से ये मतलब इस तरह से कार्य चल रहे हैं और ये मकर संक्रांति के मौके पे हो रही है। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है कि इस तरह के योजना करने से क्या समाज में क्या एक मैसेज जाएगा? चूँकि एक जगह पर लोग भूमि पर बैठ के आप लोग खाना खा रहे हैं, तो क्या एक संदेश जा रहा है लोगों में? ये बहुत ही अच्छा एक संदेश जा रहा है, सभी आपस में एक वर्ग में एक हिंदू हैं हम लोग। ये जाति में जो लोग यहाँ बांट रहे हैं सभी पार्टी, ये नहीं है, यहाँ हम लोग सभी एक जाति के हैं, यहाँ कोई ये नहीं है, सब हिंदू हैं यहाँ पे। बस यहाँ पे एक है कि जो सामाजिक समरसता है, जिसको आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे बैठ के खाए हुए एक साथ, मतलब कौन कहाँ से आए हैं उसकी मतलब कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग एक साथ बैठ करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं खिचड़ी। और ये मौका है आपको मकर संक्रांति का, यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं जो जमीन पे बैठ करके एक साथ भोजन कर रहे हैं। इससे होता ये है कि जो सामाजिक दूरी है वो सामाजिक दूरी मिटती है और एक भाईचारगी का मैसेज लोगों में जाता है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से अभिनव कुमार।